नमस्कार, वीके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक मिश्रा। आज दिनांक 10/10/2023 को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में पूर्व कृषि मंत्री सह नगर विधायक द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में डेंगू से जुड़े दो महत्वपूर्ण मशीन ब्लड कंप्लीमेंट स्प्लेटर मशीन पिछले 3 अक्टूबर से शाम 7 बजे से खराब पड़ा है। अधीक्षक डॉक्टर विनोद शंकर सिंह ने बताया कि मशीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त मशीन के बंद होने से डेंगू बीमारी से जुड़े मरीज का इलाज में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में प्रवेश करते ही जल जमाव एवं सड़कों का स्थित काफ़ी बंद बद से बदतर पाई गई। परिसर के चारों ओर एवं बाहर सर्जरी MCH भवन के निकट भी काफ़ी कूड़े का अंबार और गंदगी देखी गई, जो स्वास्थ्य के इलाज लिहाज से अच्छा नहीं। गंदगी और जल जमाव से मरीज के स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। मगध प्रमंडल के कोने कोने से बड़ी संख्या मरीज जो विभिन्न बीमारियों से प्रभावित मरीज इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, लेकिन बेड के अभाव में मरीज इधर उधर भटकते पाए गए। विगत दिनों में भी बेड के कमी के कारण मरीज को फर्श पर इलाज करते पाया गया। ट्रॉली में भी कमी के कारण मरीज को जांच के लिए लाने ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवश्यकता अनुसार एवं मरीजों की संख्या के अनुसार डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन सहित विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों का काफ़ी संख्या का अभाव पाया गया, जिससे मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज में काफ़ी असुविधा हो रही है। मरीजों का स्वास्थ्य सुधार में काफ़ी परेशानी हो रही है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली का यही उदाहरण है। सरकार का स्वास्थ्य विभाग की निंदा में सोई हुई है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार चिर निंदा से जागे और अभिलंब मगध मेडिकल कॉलेज में इलाजरत मरीजों के समस्याओं का निराकरण, नहीं तो मगध मेडिकल कॉलेज के बदल हाल व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो इस कुव्यवस्था के खिलाफ विधानसभा में उठाया जाएगा। मौके पर उपस्थित राम गोपाल सिंह, विनय सिंह, अरुण यादव, धीरू जी, मनोज चंद्रवंशी, प्रदीप जी, मुकेश चंद्रवंशी, टीकू गोस्वामी अन्य उपस्थित रहे। मैं वीके न्यूज से विवेक मिश्रा, देखे एक रिपोर्ट। डॉक्टर्स तो अच्छा काम कर रहे हैं, नर्सिंग का स्टाफ भी लगे हुए हैं जाकर के, ये गंदगी में देख रहा हूँ काफ़ी जाकर के। हमने अधीक्षक का ध्यान कुछ कराया है जाकर के कि जो गंदगी है इसकी नियमित सफाई होनी चाहिए जाकर के। और वैसे डॉक्टर लोग अच्छा सेवा दे रहे हैं जाकर के, अधीक्षक भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। डेंगू वार्ड में हम लोग गए थे और जानकारी मिली है कि जो प्लेटलेट मशीन जाकर के वो लगभग करीब 3 तारीख खराब पड़ा हुआ है और बाहरी कंपनी है किर्लोस्कर, उसको मेंटेनेंस करना था जाकर के, बन नहीं पाया। अभियंता लोग लगे हुए हैं, अधीक्षक महोदय भी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं जाकर के, आज वादा किया पूरा करने का जाकर के, लेकिन भी जानकारी मिली जाकर के बन पाया नहीं जाकर के, उससे काफ़ी लोगों को असुविधा हो रही जाकर के। हम चाहेंगे कि स्टैंड बाई में और मशीन होना चाहिए जाकर के। हम राज्य सरकार से मांग कर लेंगे जाकर के, निश्चित तौर पर ये मगध प्रमंडल का अस्पताल जो है एक बड़ी आबादी वाला कमिश्नरी हमारा जाकर के, वैसे गया जिला ही 10 विधानसभा का जाकर के, तो बड़ी आबादी है। और बगल चतरा है बगल में, और अगल बगल जो झारखंड का क्षेत्र जाकर के, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग आते हैं जाकर। मैं चाहूँगा कि और बेहतर व्यवस्था हो। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 2 करोड़ को लागत से मल्टी सुपर स्पेशलिटी व्यवस्था की जा रही जाकर के। भवन बन गया है, 3 एकड़ में बन गया है 120 करोड़ का लागत से। 80 करोड़ से मतलब फर्नीचर, MRI और वगैरह जो उपस्कर लगते हैं लगाना उन्हें जाकर के, हम लोग लगे हुए हैं। और भारत सरकार से मैं वहाँ भी बात करने जा रहे हैं कि जल्दी उसका मतलब फाइनल जाकर के हो। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है डॉक्टर, नर्सेज और जो स्टाफ उनको उपलब्ध कराना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर में जब चालू हो जाएगा तो मगध प्रमंडल के क्षेत्र के लोगों को
हेल्थ का सेक्टर में काफ़ी सुविधा मिलेगी आपको। डेंगू वार्ड में 9 मरीज भर्ती हैं, इसमें 5 कंफर्म हैं और 4 सस्पेक्टेड हैं, और जो भी मरीज हैं उनकी स्थिति अभी स्टेबल है, उनका इलाज अभी चल रहा है। सर बता दें, प्लेटलेट्स मशीन खराब है क्या? प्लेटलेट्स मशीन खराब है तो इंजीनियर मशीन बनाने में लगे हुए हैं, और उनके द्वारा कहा गया है कि आज मशीन बना देंगे। हम लोग यहाँ से अभी जा कर के उनसे पूछेंगे कि आपका कार्य कहाँ तक पूरा हुआ है। सर इधर पक्ष मेरा चल रहा है, भीड़ बढ़ ज़्यादा है, डेंगू बढ़ने की संभावना है क्या? डेंगू बढ़ने की संभावना तो है, इस स्थिति में आम जनता को जागरूक होना चाहिए कि अपने आप को साफ सफाई से रखें, और मच्छर से अपना बचाव के लिए वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पूरी बांह का कपड़ा जो है पहन के रखें, आसपास पानी जमा नहीं होने दें, अगर पानी जमा हो भी निकालने में असमर्थ हो तो वहाँ पर छिड़काव वगैरह करवाने हेतु नगर निगम को या अन्य एजेंसियों को ज़रूर जो है सतर्क करें और अपना जो है ख्याल रखें।